nice watch. How much did you pay for this? It's very expensive. But I feel I bought a lemon. She spoke the sentence, the watch is very expensive, but I feel I bought a lemon. I bought a lemon. Buy a lemon. इसका मतलब क्या है? आपने कोई ऐसी चीज़ खरीदी जो कि बहुत महंगी थी, लेकिन जो आप उम्मीद कर रहे थे कि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होगी, इतना बढ़िया रहेगा ये, इतना अच्छा काम करेगा, वो इतना अच्छा खास होता नहीं है. तो बोलते तो आई फील आई बॉट अ लेमन, मतलब मैंने नींबू खरीद लिया इतने पैसे में. यार क्या ही मिला मुझे, कुछ फायदा मिला? कोई बेनिफिट नहीं मिला. जब कोई ऐसी चीज है या ऐसे कुछ खरीद के लेके आते हो आप जो कि इसकी वैल्यू उतनी नहीं होती जितनी आप खर्चा किया होता आपने. इफ यू गो एनी मार्केट, वहां से आप जींस लेके आए, वो जींस का प्राइस था अराउंड 20-50,000 रुपीज. आपने खरीदा और जींस पहना, पहनते वो बड़ा खराब लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है. अरे यार कैसी जींस है? आई परचेज दिस जींस, आई थिंक आई बॉट अ लेमन. रिसेंटली माई ब्रदर परचेज सेकेंड हैंड कार, बट आई फील ही हैज बॉट अ लेमन. कार तो ही ना, वो लेमन है, नींबू खरीद लिया उसने पूरा. मतलब कोई ऐसी चीजें खरीद ली, एक्सपेंसिव होती हैं, खरीदने में बहुत महंगी होती है, लेकिन वो कुछ खास असरदार नहीं होती है, वो कुछ खास उसका इतना वैल्यू नहीं दे पाते. बोलते हैं बाय अ लेमन, उसका मतलब होता है. आप कुछ और इंस्टेंस ले सकते हो. इफ यू परचेज एक्सपेंसिव मोबाइल, इट मींस यू आर गोइंग टू बाय अ लेमन. परचेजिंग एक्सपेंसिव मोबाइल, यू आर गोइंग टू बाय अ लेमन. अगर उसका यूज नहीं कर पाते, उसे यूज ठीक से करना नहीं आता, तो बाय अ लेमन, तो इसका यूज कर सकते हो. इंग्लिश सीखने विश योर लर्निंग इंग्लिश. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.